नोएडा विधानसभा सीट का गठन 2012 में हुआ था, तब से अब तक इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम है। भाजपा अब तक यहां से जीतती आ रही है। वर्तमान में इस सीट से पंकज सिंह विधायक हैं। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा सीट राजनीति के लिहाज से रसूख वाली सीट कही जाती है। साल 2012 में नोएडा विधानसभा सीट अस्तित्व में आई, तभी से यहां पर भाजपा का कब्जा है। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं और उन्होंने यहां से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। इस बार की जीत इस मायने में खास है क्योंकि वो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। उत्तर प्रदेश के वो दूसरे ऐसे विधायक हैं जिन्हें सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। इसके साथ ही उनके मंत्री बनने के प्रबल आसार थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी नोएडा से पंकज सिंह ने जीत दर्ज की थी। वर्तमान में इस संसदीय क्षेत्र की बात करें तो महेश शर्मा यहां से सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सीट से भाजपा के महेश शर्मा चुनाव जीतकर विधायक भी बने थे। इसके बाद उनकी किस्मत चमकी, वो न सिर्फ संसद पहुंचे बल्कि केंद्र में मंत्री भी बने। हालांकि वर्तमान मंत्रिमंडल में उन्हें हिस्सा नहीं मिला। नोएडा की सीट बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। इस सीट से पंकज सिंह का लड़ना ही इस बात की गारंटी थी कि उनका राजनीतिक करियर सफल बने। राजनीतिक असफलता और सफलता के लिए आप अपर्णा यादव के मामले को समझ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की वजह से उन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट तो मिल गया, लेकिन अखिलेश ने उन्हें लखनऊ कैंट की सीट से रीता बहुगुणा जोशी जैसे उम्मीदवार के खिलाफ उतारा। वो जानते थे कि सीट को नहीं निकाला जा सकता और एक हार पूरे करियर को बर्बाद कर देती है। पंकज सिंह के पिता राजनाथ सिंह एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और धीरे धीरे उनकी उम्र भी अब मार्गदर्शक मंडल में जाने की हो रही है। खैर, ये प्रश्न तो प्रधानमंत्री की विरासत को लेकर भी है, लेकिन जहां तक राजनाथ सिंह की विरासत का सवाल है, उनका ध्यान अपने बेटे के भविष्य पर है। उन्होंने न सिर्फ पंकज सिंह की सफल एंट्री करवाई बल्कि अब पंकज अब लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के भी प्रबल दावेदार बन गए हैं। राजनीति ही क्या, करियर की कोई भी फील्ड हो, पिता चाहता है बेटा उसकी राह पर चले। चाहे क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर बनने की कोशिश करता दिखे, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की कोशिश करता दिखे, या एक्टर्स के बच्चे आपको फिल्मों में दिखाई दें, तो राजनेताओं के बच्चे पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हो सकते, ये बहस का एक बिंदु है। दूसरी बहस बीजेपी ने छेड़ी परिवारवाद के नाम पर। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लेकर परिवारवाद के बहुत आरोप लगे, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगे। यहीं से पंकज सिंह की मुश्किलें कुछ बड़ी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। लेकिन पंकज सिंह ने अब खुद को साबित किया है और ये भी जताया है कि अपने दम पर उन्होंने अपना एक राजनीतिक कद बनाया है। दूसरी सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव में 2022 में हासिल करने के बाद भी वो मंत्रिमंडल में नहीं दिखे। लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये उनकी तैयारी है। बहुत मुमकिन है ये उनकी अपनी च्वाइस भी हो, क्योंकि अब राजनाथ सिंह के लिए समय आ गया है कि वो अपनी विरासत को अपने बेटे को सुपुर्द करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पंकज सिंह पहले लोकसभा में पहुंचे, केंद्र की राजनीति में पहुंचे। उत्तर प्रदेश की राजनीति से उनकी सफल शुरुआत हुई है। पिछला चुनाव हो या ये चुनाव हो, दोनों चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, एक अच्छा बेस तैयार किया है नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा तो एक सीट हुई, फिर दादरी जेवर सब मिला लीजिए तो गौतम बुद्ध नगर की एक पूरी सीट बनती है। यहां पर बीजेपी का अच्छा दबदबा चल रहा है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से, बहुत स्वाभाविक रूप से पंकज सिंह यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी बनने के लिए एक अच्छी चॉइस दिखाई पड़ते हैं। और ये जान लीजिए कि ये अचानक से नहीं होगा, ये बहुत सोची समझी रणनीति से होगा। मार्गदर्शक मंडल का निर्माण आपको पता है, 75 साल की उम्र, तो 75 साल की उम्र के धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, अभी 71 साल के हैं, और फिर राजनाथ सिंह भी लगभग उसी आयु वर्ग में आते हैं, तो इन्हें अपनी विरासत आगे सौंपना है। मोदी जी का तो नहीं पता, लेकिन राजनाथ सिंह का तय है कि वो अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपेंगे, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में पंकज सिंह को जगह मिल सकती है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो लोकसभा चुनाव जीत कर आए, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पंकज सिंह आपको चुनाव लड़ते दिखाई देंगे तो बहुत आश्चर्य का विषय नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम में नोएडा विधानसभा सीट पर लगातार दूसरी बार पंकज सिंह ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। उन्हें 2,44,319 जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी सुनील चौधरी को 62,806 मत मिले। ये उत्तर प्रदेश चुनाव की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद तो तय माना जा रहा था कि पंकज सिंह मंत्रिमंडल का न सिर्फ अहम हिस्सा बनेंगे बल्कि उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय भी दिया जा सकता है।
इसके उलट उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इसके पीछे भी विशेषज्ञ एक सोची समझी रणनीति मानते हैं। दरअसल इन चुनाव की कामयाबी में जहां योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा है, वहीं पंकज सिंह का भी। पंकज अब केंद्र की राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट से बीजेपी को अब अपने प्रत्याशी पर विचार नहीं करना पड़ेगा। बड़ी जीत ने पंकज सिंह को यहां से मजबूत ऑप्शन बना दिया है। गृह मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय का पदभार लेने वाले राजनाथ सिंह का त्याग यूं ही नहीं है। इसके पीछे उनके बेटे पंकज सिंह का पूरा करियर है। बीजेपी की वर्तमान लोकप्रियता का श्रेय प्रधानमंत्री के चेहरे को जाता है, लेकिन उन्होंने 75 वर्ष की आयु सीमा के साथ मार्गदर्शक मंडल भी बनाया है। राजनाथ और मोदी वैसे ही मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा है, लेकिन सबसे अहम बात है सरकार से संन्यास लेना, जैसा लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का हुआ। अगले मंत्रिमंडल में राजनाथ हो या न हो, इस पर बहुत संशय रहेगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वो अपनी विरासत अपने बेटे को देना चाहेंगे। इसके प्रयासों में सबसे पहले पंकज सिंह का लोकसभा लड़ना और जीतना जरूरी है। पंकज सिंह को लेकर यह तय माना जा रहा है कि उन्हें केंद्र की राजनीति का ही हिस्सा बनना था। यूपी उनकी ट्रेनिंग और परीक्षा के लिए था, यही वजह है कि वो योगी मंत्रिमंडल में आपको दिखाई नहीं दिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।